अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद अजहर हुसैन। मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम टॉपिक मसाहत मेंसुरेशन से मुतवाजी अजला, जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है, मुतवाजी अजला पैरेललोग्राम के ताल्लुक से आज मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है। आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, मुतवाजी अजला के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात। अजला, जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है, इसकी शक्ल इस तरह होती है। देखिए, यहाँ पर ये एक मुतवाजी अजला है। ये शक्ल एक मुतवाजी अजला की यहाँ पर एक शक्ल है। ए बी सी डी एक मुतवाजी अजला है, जिसमें मुखाबिल के जिले यानी ए बी जिला मुतवाजी होता है सी डी जिले के, और ए डी जिला मुतवाजी होता है बी सी जिले के। इस तरीके से ये मुतवाजी अजला में मुखाबिल के अजला मसावी और मुतवाजी होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ए बी जिला मुतवाजी है सी डी जिले के, और ए डी जिला यहाँ पर मुतवाजी है बी सी जिले के, और ये जो यहाँ पर सिंबल्स अलामतें बताई गई है, ये मुतवाजी की अलामत है। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि ए बी मुतवाजी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर ये मुतवाजी की अलामत है। तो चलिए आगे की और मालूमात हासिल करते हैं मुतवाजी अजला के ताल्लुक से। ये मुतवाजी अजला ए बी सी डी में, दोस्तों यहाँ पर ये जाविये ए, क्योंकि यहाँ पर ए बी मुतवाजी है सी डी के, इसलिए जाविये ए मसावी होगा ये जाविये सी के। इसे हम डी ए बी और इसे डी सी बी भी कह सकते हैं, यानी जाविये ए मसावी है जाविये सी के। इसी तरीके से यहाँ पर जाविये डी मसावी होगा, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं डी ए बी, डी ए बी यानी दरमियान में मौजूद, ये जो दरमियान में मौजूद है इसे जाविया डी ए बी इस जानिब के जाविये को बताता है, डी ए बी इस जानिब यानी ए जाविया है। और इसी तरीके से यहाँ पर जाविये डी सी बी इस जानिब के जावियों को बताता है, ये दोनों मसावी होते हैं क्योंकि ए बी जिला मुतवाजी है सी डी जिले के, और ए बी यहाँ पर मसावी भी है सी डी जिले के, इसलिए जाविये ए मसावी है जाविये सी के। इसी तरीके से यहाँ पर जाविये डी मसावी होगा जाविये बी के, इसे हम सी डी ए भी कह सकते हैं। इस तरीके से जाविये ए डी सी, ए डी सी भी कह सकते हैं या सी डी ए भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसे यहाँ पर ए डी सी लिखा है, इस लिहाज से ए डी सी मसावी होगा ए बी सी के, यानी दरमियान में मौजूद जाविये की, ये दो जाविये यहाँ पर मसावी है क्योंकि ए डी मसावी है बी सी के, ए डी मसावी है बी सी के, इसलिए यहाँ पर मुखाबिल के जाविये मसावी होते हैं मुतवाजिल अजला में। चलिए आगे एक सवाल के जरिए अब हम मुतवाजिल अजला का रब्बा मालूम करने का पहले जाब्ता देखते हैं, फिर इस जाब्ते की मदद से एक सवाल को हल करते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मुतवाजिल अजला का रब्बा मालूम करना, मुतवाजी अजला का रब्बा मालूम करने का जाब्ता, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ पर कौन से जाब्ते से मालूम किया जाता है, देखेंगे। अब ये मुतवाजी अजला है ए बी सी डी, और इसमें ये यहाँ पर ये ए बी इसका फायदा है, इसे बी से जाहिर किया गया है बेस को, और ये यहाँ से यहाँ तक ये बुलंदी को जाहिर करता है, यहाँ से राज डी से लेकर ये फायदे तक का फासला ये बुलंदी को जाहिर करता है, जिसे हेच से जाहिर करते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से ये भी मुतवाजी अजला की बुलंदी है। इन दोनों बुलंदियों में से हम कोई एक बुलंदी को लेकर इसका जाब्ता बना सकते हैं। मुतवाजी अजला का रब्बा मालूम करने के लिए जो जाब्ता है वो है फायदा जरब बुलंदी, फायदा जरब बुलंदी, इसे हम बेस इंटू हाइट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरीके से बेस इंटू हाइट। चलिए आगे सवाल की जानिब चलते हैं और इस जाब्ते की मदद से एक सवाल को हल करते हैं। तो ये है मुतवाजी अजला, जिसमें फायदा बी है और इसकी बुलंदी हेच है, तब मुतवाजी अजला का रब्बा मालूम करने के लिए जो जाब्ता है वो है बी इंटू हेच। चलिए आगे सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल इस तरह है कि एक मुतवाजी अजला का रब्बा मालूम कीजिए, जिसका फायदा 20 समर और बुलंदी 5 समर है। एक मुतवाजी अजला का रब्बा मालूम कीजिए, जिसका फायदा 20 समर और बुलंदी 5 समर है।
फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हूज बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। चलिए इस सवाल का जवाब यहाँ पर हल करते हैं। इस तरीके से ये एक मुतवाजी लज़्ज़ा सवाल के मुताबिक उतारा गया, जिसका फायदा यहाँ पर 20 समर है और इसकी बुलंदी यहाँ पर 5 समर है। अब इस मुतवाजी लज़्ज़ा का अब हम रकबा मालूम करते हैं जाब्ते की मदद से। इसका सॉल्यूशन इस तरह लिखना होगा, दिया गया है कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट मुतवाजी लज़्ज़ा का फायदा बी मसावी में 20 समर दिया गया था और मुतवाजी लज़्ज़ा की बुलंदी जो दी गई थी वो 5 समर दी गई थी। इस तरीके से अब हमको मालूम करना है कि मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा हमको यहाँ पर मालूम करना है, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम यहाँ पर मालूम करना है। चलिए इस सवाल का जवाब हम हल करते हैं। मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है फायदा जरा बुलंदी, जो कि हमको ये साबता मालूम है यहाँ पर मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर फिर से एक मरतबा हम जाब्ता लिखते हैं, मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस जो दिया गया था 20 सेंटीमीटर दिया गया था और हाइट 5 सेंटीमीटर दिया गया था। जब हम 20 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तब मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा 100 मुरब्बा समर हासिल होता है। अज़ला का रकबा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है 100 मुरब्बा समर। चलिए आगे और एक सवाल के जरिए पैरेललोग्राम यानी मुतवाजी लज़्ज़ा के तालुक से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। तो देखेंगे कि सवाल इस तरह है, एक मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा 2500 मुरब्बा समर है और उसका फायदा 250 समर है, तब इसकी बुलंदी मालूम कीजिए। एक मुतवाजी लज़्ज़ा का एरिया यहाँ पर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और उसका बेस 250 सेंटीमीटर है, तब हमको उसका हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ पर हमको मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम इस तरह हल करते हैं, देखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जिसका रकबा 2500 मुरब्बा समर दिया गया और उसका फायदा यहाँ पर 250 समर है और यहाँ पर हमको इसकी बुलंदी यहाँ पर मालूम करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुतवाजी लज़्ज़ा की बुलंदी कहलाती है, जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया है। अब हमको रकबा दिया गया है और फायदा दिया गया है, एरिया दिया गया है और बेस दिया गया है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो चलिए जाब्ते की मदद से सवाल को हल करते हैं, देखेंगे कि दिया गया है कि मुतवाजी लज़्ज़ा का फायदा 250 समर है, 250 सेंटीमीटर है और मुतवाजी लज़्ज़ा की बुलंदी हमको यहाँ पर मालूम करना है और मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर हमको मालूम करना है कि मुतवाजी लज़्ज़ा की बुलंदी क्या है। चलिए ज़ाब्ता लिखते हैं, यहाँ पर मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है फायदा ज़रब बुलंदी। मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है फायदा ज़रब बुलंदी। मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है फायदा ज़रब बुलंदी। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। चलिए यहाँ पर कीमतों को दर्ज करते हैं, मुतवाजी लज़्ज़ा का रकबा मसावी है फायदा ज़रब बुलंदी और एक मरतबा हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर इसे रकबा जो कि 2500 मुरब्बा समर दिया गया था इस जानिब लिखा गया और फायदा जरा बुलंदी बी इंटू एच लिखी गई। अब यहाँ पर फायदा 250 समर सब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर फायदा 250 समर रखने पर अब ये 250 जरब एच है और ये यहाँ पर जरब में होने की वजह से मल्टीप्लीकेशन में होने की वजह से ये मसावा इस जानिब आकर तकसीम में होता है यानी डिवाइड में होता है। H इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 250 250 वन जा 250 रिमेनिंग जीरो। इस तरीके से क्या इसे 250 टेन जा 2500 भी हम इसे कह सकते हैं, 250 टेन जा 2500। इस तरह से हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 10 समर हमको हासिल होगा। इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, आप जरूर इन वीडियोस को नोट करें और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपके लिए कितने मुफीद साबित हुए हैं। थैंक यू।